Hello students, in this video we'll discuss chapter number 3, the later Vedic age. Students, later Vedic age को एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम है epic age. ठीक है बात. और इस particular later Vedic age में हम किस time frame को पढ़ेंगे? तो बेटा वो time frame जो 1000 BCE से चालू होके कहाँ ख़त्म होगा? 600 BCE में ख़त्म हो जाएगा. 1000 से स्टार्ट होगा, 600 BCE में ख़त्म हो जाएगा. BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा. ठीक हुई बात. देखो, हिस्ट्री को और कन्वीनियंट बनाने के लिए ये बात आपको थोड़ा सा समझना ज़रूरी है. 1 AD, इन लोगों को ज़ीरो पता नहीं था, स्टार्ट हो जाता है 1 BC के बाद ही, बिफोर क्राइस्ट. 1 BC बोले तो बिफोर क्राइस्ट, और BCE बोले तो बिफोर कॉमन एरा. तो ये 1 AD डायरेक्टली 1 BC के बाद चालू हो जाता है. यहाँ पर ज़ीरो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है. यहाँ पर काउंटिंग चलती है बैकवर्ड, 1, 2, 3, 4. तो ऑब्वियसली बात है, कोई चीज़ 3 में चालू होगी तो 2 में ही ख़त्म होगी ना. टाइम में आके तो आप ऐसे ही आ रहे हो. तो इसी तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे 1000 से पढ़ना, और कहाँ ला के ख़त्म करेंगे? 600 पे. और अभी हम कहाँ पर हैं? 2023 में. यहाँ पर ज़ीरो नहीं होता इस लाइन में. 1 AD के पहले BCE है, बिफोर क्राइस्ट है, और बिफोर क्राइस्ट के सीधे बाद AD एनो डोमिनी है, या कॉमन एरा, CE भी बोलते हैं इसको. अभी भी अगर बेटा BCE समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, एक वीडियो इसी के ऊपर बना देंगे. अब हम देखेंगे आगे हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं. तो पहले तो हम उन सोर्सेज को देखेंगे जिनके बेसिस पे हमने रिकंस्ट्रक्ट किया लेटर वैदिक एज को. तो पहला सोर्स है लिटरेचर, लेटर वैदिक लिटरेचर. जितना भी लिटरेचर था अवेलेबल उसके थ्रू हमने इसे रिकंस्ट्रक्ट किया है. फिर स्मृतिज और एपिक्स हमें मिले हैं. फिर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमें बहुत सारे आयरन टूल्स मिले हैं और पॉटरी मिली है. फिर हम लोग देखेंगे कि और क्या हुआ है लेटर वैदिक पीरियड में. तो लेटर वैदिक एज में जो वैदिक सिविलाइजेशन थी, अब इंडिया के नए रीजन्स तक पहुंचेगी, अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करेगी, और वहां जाके अपनी कम्युनिटी को, अपनी सिविलाइजेशन को और ज़्यादा एक्सपांड करेगी. थर्ड हम देखेंगे कंपैरेटिव स्टडी ऑफ अर्ली एंड लेटर लेटर वैदिक सोसाइटी. अर्ली और लेटर वैदिक सोसाइटी में क्या डिफरेंसेस थे, उनकी कंपैरेटिव स्टडी हम लोग करेंगे. फिर हम लोग देखेंगे अ ब्रीफ कंपैरिजन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. अर्ली और लेटर वैदिक में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ डिफरेंसेस थे, उनका कंपैरिजन देखेंगे. फिर हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे अर्ली और वैदिक इकोनॉमिक लाइफ की, कि इन दोनों की जो इकोनॉमिक लाइफ थी उसमें क्या डिफरेंसेस थे. फिर हम ब्रीफ कंपैरिजन देखेंगे रिलीजियस लाइफ का, और फिर हम देखेंगे एपिक्स को. मैंने तभी बताया कि जो लेटर वैदिक एज है उसे ही क्या भी कहते हैं, एपिक एज. चलो समझ में आ गया. बेसिकली हम लोग कंपेयर करके पढ़ेंगे इसको, किसे? अर्ली वैदिक सोसाइटी से, अर्ली वैदिक एज. चलो, तो अभी हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में, चैप्टर 2 में, आप लोगों ने वीडियो देखा नहीं देखा है या खुद से पढ़ा है नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ाए तो पहले पढ़े, क्योंकि ये सीरीज से ही पढ़ो बेटा. लेटर वैदिक पीरियड पढ़ने के पहले वैदिक पीरियड को पढ़ो तो ज़्यादा कन्वीनियंट होगा आपके लिए. ठीक है बात. तो हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में, चूँकि वो जो वैदिक एज है वो एंड हो जाती है अराउंड 1000 BCE पे. अब नेक्स्ट 500 ईयर्स को हम पढ़ेंगे किसके नाम से? लेटर वैदिक पीरियड के नाम से. देखो, पढ़ एक्चुअल में हम हिस्ट्री रहे, हमने हिस्ट्री को अलग अलग फेजेस में डिवाइड कर दिया है. हम लोगों ने 1000 तक का पढ़ के आ गए हैं कहाँ पर, वैदिक एज में. अब उसके आगे आने वाले 500 ईयर्स को पढ़ेंगे लेटर वैदिक पीरियड में. इस पर्टिकुलर पीरियड में आयरन का यूज़ स्टार्ट हो गया था. इसके अलावा और दूसरे मेटल्स भी थे जिन्होंने आर्यन सिविलाइजेशन की ग्रोथ में बहुत हेल्प की. दैट हेल्प्ड और फैसिलिटेटेड द ग्रोथ ऑफ आर्यन सिविलाइजेशन. क्लियर है बात. मतलब अब तक, मतलब ये लेटर वैदिक पीरियड पहली बार हम लोग यहाँ पर आयरन का यूज़ देखेंगे. इसके पहले हमने आयरन का यूज़ नहीं देखा था. ठीक की बात. आयरन के अलावा और दूसरे मेटल्स भी यहाँ पर आ जाएंगे जिनकी वजह से आयरन सिविलाइजेशन की बहुत ग्रोथ होगी. जो लेटर वैदिक पीरियड है शो ऑल राउंड डेवलपमेंट अमंग आर्यन. और अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि आर्यन में ऑल राउंड डेवलपमेंट हो रहा है कहाँ पर? लेटर वैदिक. नाउ सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट द लेटर वैदिक एज. ठीक है बात. अब जो लेटर वैदिक लिटरेचर है उसको हम देखेंगे. तो लेटर वैदिक लिटरेचर में आते हैं यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद. ठीक है बात. ऋग्वेद हम पहले लिख चुके हैं ना, वैदिक पीरियड में ही लिख चुके हैं.
लेटर वैदिक पीरियड में तीन वेद्स हैं, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। फैशनेबल वे में आप इनको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, सामवेदा, अदरवाइज इट्स वेद ओनली, है ना। हम इंडियंस, हमें पता है कि वेद लिखे गए थे, नहीं के वेदा। चलो, ईच ऑफ द वेद कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, हर वेद के दो पार्ट हैं, संहिता और ब्राह्मण। पर बच्चा कुछ कुछ जगह में आप पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि वेद के चार पार्ट हैं, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। पर ठीक है, हमारी पूरे हम दो ही मारेंगे कि ईच वेद कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, संहिता और ब्राह्मण। जो संहिता होती है उसमें हिम्स होते हैं और प्रेयर्स होती हैं जो हम रिचुअल और सेक्रीफाइसेस पे गाते थे। मतलब पहले रिचुअल्स बोले तो कर्मकांड अनुष्ठान, और सेक्रीफाइसेस बोले तो बलि। बलि देने का पहले बहुत था ना, जैसे आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी, कौन सी मूवी, बाहुबली। उसमें वो लोग युद्ध के पहले जाके जो बलाल देव होते हैं वो एक भैंस को काट देते हैं, फिर बाहुबली बोलते हैं मैं इस निर्जीव की बलि नहीं दूंगा, मैं अपने रक्त से माँ को खुश करूंगा, मतलब माँ को चढ़ाऊंगा। तो वो अपना हाथ काट के ब्लड उनको डोनेट कर, मतलब चढ़ा देता है ना। तो रिचुअल्स मतलब कर्मकांड अनुष्ठान और सेक्रीफाइसेस के टाइम पे बहुत सारी प्रेयर्स और हिम्स गाए जाते थे जो कहाँ में लिखे गए हैं, संहिता। ये संहिता नहीं है बच्चे, संहिता, ठीक है बात। चलो, जो ब्राह्मण्स हैं, जो ब्राह्मण्स हैं या जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण वो प्रॉस है, मतलब पैराग्राफ फॉर्म में लिखे गए हैं, जैसे हमारे चैप्टर्स लेसन कैसे होते हैं वैसे, जो डिटेल में मीनिंग बताते हैं हिम्स का, जो भजन लिखे हुए हैं संहिता में उनका क्या मीनिंग है, ठीक है, वो बताते हैं। इनके अलावा बिसाइड्स देयर आर अरण्य, मतलब जैसे फॉरेस्ट टेक्स्ट भी बोलते हैं, अरण्याक्स, ठीक है, अरण्य जिन्हें फॉरेस्ट टेक्स्ट बोलते हैं, एंड द उपनिषद्स। तो देखो, हमने संहिता देख ली, ब्राह्मण्स देख लिया, इसके अलावा भी क्या क्या होता है, अरण्य होते हैं और उपनिषद होते हैं, अरण्य और उपनिषद। तो जो अरण्य और उपनिषद हैं उनमें क्या लिखा गया है, उनमें फिलोसफिकल थॉट्स हैं बच्चा, और वो फिलोसफिकल थॉट्स किसने दिए हैं, लर्न सेजेस, जो साधु मुनि ऋषि जो होते हैं ना, हम लोग बोलते हैं ऋषियों ने समझे मुनियों से जानी, ऋषियों से समझे मुनियों से जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी, प्रेयर है ना, ये शारदेमा उसमें आता है ना, ये ऋषियों से समझे मुनियों से जानी। तो वही, तो जो लर्न सेजेस जो ऋषि मुनि होते थे उनके फिलोसफिकल थॉट्स हैं उपनिषद्स में और अरण्य में। तो उपनिषद और अरण्य में क्या है, फिलोसफिकल थॉट्स हैं किसके, लर्न सेजेस के, ऋषि मुनि के। किस किस टॉपिक पे बच्चा, सोल, आत्मा के ऊपर, गॉड, परमात्मा के ऊपर, एंड द अल्टीमेट ट्रूथ और रियलिटी, जीवन का जो सत्य है वो क्या है, उसके ऊपर, भगवान के ऊपर, आत्मा के ऊपर। लर्न सेजेस के जो विचार हैं वो किस में लिखे गए हैं, उपनिषद और अरण्यक में लिखे गए हैं। इसके बाद हम देखेंगे स्मृतिस और एपिक्स। तो देखो बच्चा, तीन वेद तो हमने पढ़ लिए, तीन वेद के चार पार्ट भी हमने पढ़ लिए, है ना। इसके अलावा स्मृति और एपिक भी बहुत बड़े लिटरेरी सोर्सेज होते हैं जो इसी पर्टिकुलर टाइम में प्रोड्यूस किए गए, 1000 to 600 में प्रोड्यूस किए गए। मेनी अदर लिटरेरी प्रोडक्शन वर हैंडेड डाउन इन द कोर्स ऑफ मेनी सेंचुरीज, 5 centuries थी पूरी, उस 5 centuries में दूसरे भी लिटरेरी प्रोडक्शन हुए, सम ऑफ दीज आर स्मृति, उसमें से कुछ स्मृतिज हैं और दो महान एपिक हैं। टू ग्रेट एपिक, एपिक का मीनिंग क्या होता है बच्चा, एपिक्स, एपिक का मीनिंग होता है महाग्रंथ, महागाथा, वीर गाथा। तो रामायण और महाभारत दो ग्रेट एपिक हैं, वीर गाथाएँ हमारे पास है, रामायण इज़ ऑल अबाउट लॉर्ड श्री राम और महाभारत इज़ ऑल अबाउट लॉर्ड श्री कृष्ण। तो ये भी इम्पॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स हैं लेटर वैदिक पीरियड का। फिर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें तो जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं उसके अंदर आएंगे एक्सेस कुल्हाड़ी, जो कैसे बनी होती थी, आयरन से। तो कुल्हाड़ी पता है ना आप लोगों को, जो पेड़ काटने के काम आती है, एक वो लकड़हारे वाली कहानी सुनी होगी जिसकी कुल्हाड़ी पानी में डूब जाती है, कुल्हाड़ी है ना। चलो, तो जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं उसके अंदर है एक्सेस, जो कि बनी होती थी आयरन से, और दूसरे आयरन टूल हैं। जो लेटर वैदिक पीपल थे वो फेमिलियर थे 4 types ऑफ पोएट्री, 4 type की पोएट्री से वो फेमिलियर थे, ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक स्लिप्ड वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर एंड रेड वेयर। मतलब ऐसे 4 type के ये पोएट्री को जानते थे, ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक स्लिप्ड वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर एंड रेड वेयर, मतलब अलग अलग टाइप के पोएट्री। अब मेरी बात तो
पोएट्री को हिंदी में क्या कहते हैं, जब सुनोगे तो हंसी आ जाएगी, मृत भांड। ठीक भी बात, मतलब अगर आपके घरों में कुछ खाना बनाया है, कुछ खाना बना रहे हैं, तो उन सब के लिए कुछ तो यूटेंसिल, कुछ बर्तन लगेंगे ना, वो बर्तन ही होते हैं मृत भांड। ठीक हुई बात, तो उसमें से पोएट्री इनको चार टाइप की पता थी, ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक सिल्क वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर और रेड वेयर, ये ध्यान रखना। पोएट्री मतलब मटके, मृत भांड, जो जो भी खाना बनाने के लिए, खाना परोसने के लिए, स्टोर करने के लिए काम आते थे। Now, spread of Vedic civilization to mean new regions in India. अब इंडिया के न्यू regions में हम देखेंगे किसको कौन पहुँचेगा न्यू regions में, आर्यंस। ठीक हुई बात, तो आर्यंस न्यू region में पहुँचेंगे। अब तो वो न्यू regions कौन से होंगे बच्चा, देखो तो पहले ये लोग थे पंजाब वाले रीजन से, पंजाब वाले रीजन से कहाँ पहुँचेंगे, दिल्ली पहुँचेंगे, दिल्ली से कहाँ पहुँचेंगे, यूपी पहुँचेंगे, यूपी से बिहार, बिहार से बंगाल, और फिर अरण्या में कहीं कहीं आंध्रास का भी जिक्र है, मतलब तेलुगु स्पीकिंग रीजन का भी जिक्र है। मतलब अब आप समझ जाओ कि इतने बड़े रीजन पे धीरे 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 करके किसका कब्जा हो गया है, आर्यंस का। मतलब ये पूरे पूरे इंडिया में फैल जाएंगे, हम देखेंगे कहाँ कहाँ फैलते हैं ये लोग। तो जैसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, जो आर्यंस होते हैं वो रिवर कोर्स पे आगे बढ़ते जाते हैं। अब रिवर कोर्स जरा बेटे ध्यान से सुनो, गंगा रिवर और यमुना रिवर, जैसे ये गंगा रिवर फ्लो कर रही है, तो गंगा रिवर जैसे यहाँ पर कुछ आर्यंस रहते थे, यहाँ रहने लगे, फिर आगे उनको और जगह की प्रॉब्लम हुई, यहाँ रहने लग गए, यहाँ रहने लग गए, तो मतलब गंगा और यमुना रिवर का जो कोर्स था, ठीक है, ये उस कोर्स पर ही आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे, जैसे जैसे इनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी। अब हम पूरे 1000 BCE से पढ़ रहे हैं, कहाँ 600 BCE, तो इतनी सेंचुरीज में बच्चा पॉपुलेशन आपको नहीं लगता नहीं बढ़ेगी? हम 40-50 साल में तो देखते हैं पूरी दुनिया ऐसा लगता है जैसे बदल गई हो, है ना, बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इस टाइम में भी ऐसा हुआ कि अब इन्हें एक्सपांड करना है, तो एक्सपांड कहाँ कर रहे हैं बच्चा, ये रिवर के कोर्स पे, क्योंकि पानी एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, और उस टाइम तक हम ज़मीन के अंदर से पानी बाहर कैसे निकाले बिना मेहनत के, ये हमें आता नहीं था, कुएं वगैरह से पानी निकालना बहुत मुश्किल था। तो ये लोग रिवर कोर्स पर ही आगे बढ़ते गए। कौन कौन सी रिवर की बात हो गई बच्चा, गंगा रिवर और यमुना रिवर। चलो, तो गंगा और यमुना रिवर के कोर्स पर ही आगे बढ़ रहे हैं। अब सीन शिफ्ट होगा बेटा कहाँ से, पंजाब से, कुरू। कुरू क्या है, आज मॉडर्न डे दिल्ली के आसपास का जो रीजन है उसे कुरू रीजन कहते थे पहले। तो ये लोग पंजाब से निकल के कहाँ पहुँच रहे हैं, दिल्ली, कुरू पहुँच रहे हैं, ठीक है। बाद में ये लोग कहाँ भी पहुँचेंगे, कौशल, आप कौशला भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौशल कहाँ पर, ईस्ट, उत्तर प्रदेश पहुँचे, तो पंजाब से दिल्ली, दिल्ली से यूपी, यूपी से कहाँ पहुँच रहे हैं, काशी, वाराणसी, ये भी यूपी में ही है, मॉडर्न डे उत्तर प्रदेश में ही है। फिर पहुँचेंगे वैदेह, वैदेह कहाँ पर है, नॉर्थ बिहार में, वैदेह कहाँ पर है बेटा, नॉर्थ बिहार में। उसके बाद वो पहुंचेंगे मगध, साउथ बिहार, नॉर्थ बिहार, वैदेह, साउथ बिहार, मगध। ठीक भी बात, तो कहाँ से शुरू किया था, पंजाब से, पंजाब से कहाँ पहुंचे, कुरू, कुरू बोले तो दिल्ली, दिल्ली से कहाँ पहुंचे, कौशल, कौशल बोले तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से काशी, काशी भी उत्तर प्रदेश, फिर नॉर्थ बिहार और फिर साउथ बिहार, नॉर्थ बिहार, वैदेह, साउथ बिहार, मगध। द नेम ऑफ वंगा बंगाल अकर्स इन वन ऑफ द अरण्याक फॉर ए टेक्स्ट, एक अरण्याक में वंगा का नाम भी है, वंगा बोले तो बंगाल। ठीक हुई बात, तो अभी बंगाल तक पहुंच गए। फिर जो ऐत्रेय, ऐत्रेय ब्राह्मण है, ऐत्रेय ब्राह्मण, यहाँ पर ब्राह्मण मतलब किसी मेल ब्राह्मण की बात नहीं हो रही है, ये उस टेक्स्ट बुक की बात हो रही है। तो जो ऐत्रेय ब्राह्मण है, उस ऐत्रेय ब्राह्मण ने एक बार आंध्र वर्ड भी आया है। आंध्रा किसको बोलेंगे बच्चा, हु इज इन मॉडर्न टाइम्स आर तेलुगु स्पीकिंग पीपल, तेलुगु स्पीकिंग पीपल वाला जो एरिया है, जो हमारा सदर्न इंडिया है, उसके बाद भी एक बार ऐत्रेय ब्राह्मण में हुई है। ये ब्राह्मण, मैं वापस से बोल रही हूँ, कोई मेल ब्राह्मण नहीं है, ये बुक टेक्स्ट की बात हो रही है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में एक बार आंध्रा का नाम भी आया है, जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल है, कहाँ के, सदर्न इंडिया के। तो अब इस बात से समझ में आ रहा है ना कि कितना एक्सटेंड कर चुके हैं ये, कितना एक्सपांड कर चुके हैं अपने आप को। थस द टेरिटरीज ऑक्यूपाइड बाय द लेटर वैदिक आर्यंस कंप्राइज द होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में कब्जा कर लिया, टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा एंड सम रीजन इवन टू द साउथ ऑफ दैट रिवर, नर्मदा तक तो इनका पूरा था ही था एरिया, साथ साथ में हमने आंध्रा की बात भी सुनी, मतलब ये इस रिवर के साउथ में भी गए।
ये है पेंटेड ग्रेवियर, इन्हें मृदभान कहते हैं। ये देखो प्लेट के शेप में है, ये मटके के शेप में है। PGW पेंटेड ग्रेवियर। जो लेटर वैदिक आर्यंस थे वो यूज़ करते थे प्रिंटेड ग्रेवियर पॉटरी को। बॉल्स बनाए, उसके डिशेस बनाई, मतलब थालियाँ भी बनाई, बॉल भी बनाए, कटोरे भी बनाए। मोर देन 700 पेंटेड ग्रेवियर साइट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द रिवर सतलज एंड अपर गंगेटिक बेसिन। जो गंगेटिक बेसिन है, गंगा बेसिन है, उसका जो अपर वाला पार्ट है, वहाँ पर रिवर सतलज के पास में लगभग 700 पेंटेड ग्रेवियर्स मिले हैं। दे इंक्लूड पार्ट्स ऑफ मॉडर्न स्टेट्स ऑफ पंजाब, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में। क्या मिले हैं? हिंदी में बोलते हैं मृदभांड। मुझे तो ये नाम सुन सुन के हंसी आ रही है। तो क्या क्या बनता है इससे? मटकी, मतलब क्या बोलोगे, प्लेट है, ये कटोरा है, बोल्स, डिशेस और पॉट्स। नाउ रोल ऑफ आयरन इन लेटर वैदिक इकोनॉमी। हमने पहले ही पढ़ लिया कि हमें कुल्हाड़ी एक्सिस मिली है जो आयरन से बनी हुई थी, जिससे पेड़ों को आसानी से काटा जा सके और फॉरेस्ट को क्लियर किया जा सके। ठीक हुई बात, इतने डेंस फॉरेस्ट होते थे कि उनको क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल काम होता था। तो फॉरेस्ट कट कर लो तो देखो आपके पास एग्रीकल्चर एरिया भी आ जाएगा, साथ ही साथ आप उन घने जंगलों से भी बच जाओगे। दैट मेड मोर एंड मोर लैंड अवेलेबल बोथ ऑन कल्टिवेशन एंड कॉलोनाइजेशन। अब देखो आपकी जनसंख्या बढ़ रही है ना, आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, साथ ही साथ आप 500-600 साल को पढ़ रहे हैं, 600 सालों को पढ़ रहे हैं, तो 600 साल में तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई होंगी बेटा। तो जब आप पेड़ों को काटते हो तो दो चीज़ों के लिए आपको ज़मीन मिल जाती है, एक तो कल्टीवेशन के लिए आप उस पर एग्रीकल्चर कर सकते हो, और दूसरा कॉलोनाइजेशन, मतलब कॉलोनीज बना सकते हो। ये वही कॉलोनाइजेशन होता है जैसे हम बने थे कॉलोनी किसकी, यूरोप की, पर वो कॉलोनाइजेशन थोड़े बड़े आस्पेक्ट में हो जाता है। अभी हम हमारी छोटी छोटी कॉलोनीज की बात करें। आयरन प्लोशेयर मिला है, में डीप प्लोइंग आइलैंड, प्लोशेयर मतलब हल, और इससे डीप प्लोइंग हो जाती थी, मतलब ज़मीन को आप उलट पलट कर सकते थे, प्रॉपर एरिएशन हो जाता था। प्लोइंग को इजी बनाने के लिए हमारे पास आयरन प्लोशेयर भी थे, इससे पीजेंट्स को हेल्प मिली और वो अलग अलग टाइप की क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने लगे। कारपेंटर्स, मेशंस एंड मेटल वर्कर्स स्टार्टेड वर्किंग विद बेटर आयरन टूल। देखो अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो कॉपर और आयरन में ज़्यादा स्ट्रेंथ है, तो जब आयरन के टूल्स बनने लगे तो कारपेंटर्स बड़ा ही, जो फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, मेशन जो घर बना रहे हैं, मेटल वर्कर जो मेटल के ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब बोल्ट, सिल्वर, कॉपर, उन सबको बेटर आयरन टूल मिलने लगे, तो वो अपना काम बहुत अच्छे से करने लगे। इससे ही डिफरेंट क्राफ्ट का डेवलपमेंट हुआ विद द कमिंग ऑफ आयरन टूल्स। तो आयरन का डेट, आयरन इज वेरी इंपॉर्टेंट हर इकॉनमी आज की डेट में। किससे मेजर की जाती है, कितनी कौन सी इकॉनमी कितनी ज़्यादा डेवलप है, वहाँ पर इस बात से मेजर किया जाता है कि वहाँ पर आयरन कंजम्पशन पर पर्सन क्या है। तो आयरन तो आज तक वैल्यूएबल है, पहले भी था। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ गई तो आपके पास सरप्लस क्रॉप आने लगी। अब इस सरप्लस क्रॉप को आप सेल आउट करके और चीज़ें खरीद सकते हो। तो ये जो सरप्लस था उससे क्या स्टार्ट हुआ, ट्रेड की ग्रोथ हुई, कॉमर्स की ग्रोथ हुई। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ने से ट्रेड, व्यापार, वाणिज्य बढ़ गया। कॉमर्स को बोलते हैं वाणिज्य, ट्रेड बोलते हैं व्यापार। ठीक है बात। दिस गेव अ मोमेंटम टू राइज ऑफ टाउन्स एंड सिटीज। और अब जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा वैसे वैसे सिटीज और टाउन्स एग्जिस्टेंस में आएंगे। द एविडेंस टू सजेस्ट दैट सदर्न इंडिया हैड ऑल्सो बिकम फेमिलियर विद आयरन। अब हम वो एविडेंसेस के बारे में पढ़ेंगे जो हमें बताते हैं कि भाई सदर्न इंडिया में भी आयरन की यूज़ उन लोगों को पता थे। तो जो मेगालिथिक मॉन्यूमेंट्स बनते हैं, बच्चा मेगालिथ मतलब होता है बड़े बड़े पत्थर, तो मेगालिथ माउंटेन मतलब पत्थरों से बड़े स्ट्रक्चर होंगे, सच एज डॉलमेंस और क्रॉमलेक्स। तो डॉलमेंस क्रॉमलेक क्या है बच्चा, पत्थरों से बने टूम्ब। टूम्ब का मतलब पता है ना, मकबरा। टूम मतलब मकबरा होता है। तो डॉलमेंस और क्रॉमलेट्स क्या है, मकबरे ही समझ जाओ, पत्थरों से बने हुए। चलो तो ये भी हमें पूरे साउथ इंडिया में बहुत सारे डॉलमेंस मिले हैं, बहुत सारे क्रॉमलेट्स मिले हैं। अब यहाँ पर जो वर्ड मेगालिथ है उसका मीनिंग दिया है, उसका मतलब होता है लार्ज स्टोन, मेगा मतलब बड़ा और लिथ मतलब पत्थर। डॉलमेन और जो क्रॉमलेक है ये मेगालिथिक टूम है, पत्थरों से बने पाषाण काली पाषाणी टूम्ब। क्या है, पाषाणी टूम्ब, मेगालिथ टूम्ब मतलब हिंदी में बोलते हैं पाषाणी टूम्ब, टूम्ब बोले तो मकबरा, जिसके ऊपर एक फ्लैट स्टोन होता है। देखो दो स्टोन ऐसे लगा दिए हमने, बड़े बड़े पत्थर मेगालिथ और एक स्टोन इस तरीके से लगा दिया। तो लार्ज फ्लैट स्टोन लेड ऑन अपराइट वांस,
समझ में आ गया। चलो, आयरन टूल्स, एरोज, फ्रेगमेंट ऑफ राइस एंड अदर ग्रेन्स हैव बीन फाउंड बिसाइड द स्केलेटन ऑफ द पर्सन बरीड इन दिस ग्रेव्स। अब जो मकबरे बनाए थे इन लोगों ने, जिसे हम क्या कह रहे हैं, डॉलमेंस और क्रोमलेक्स, जो मेगालिथिक टूम थे, उनके अंदर हमें क्या क्या मिले, आयरन टूल मिले, मतलब लोहे से बने औजार मिले, एरोज मिले, मतलब वो तीर कमान मिला है, और फ्रेगमेंट ऑफ राइस, राइस के टुकड़े भी मिले हैं, दूसरी अदर ग्रेन्स भी मिली है। इससे ये पता चलता है कि भैया यार इन लोगों को लोहे का तो पता था, दूसरी ग्रेन्स उगाना भी इनको आता था। अब पहले क्या होता था, किसी आदमी को बरी करते थे ना, ब्यूरी बरी करते थे, मतलब गड़ाते थे ज़मीन के अंदर, तो उसके साथ में बहुत सारी जो उसकी पसंद की चीज़ें होती थी, यूटिलिटी की, जो डेली यूटिलिटी की चीज़ें होती थी वो रख दी जाती थी, यूज़फुल चीज़ें। तो देखो, बॉडी तो स्केलेटन में चेंज होगी, पर स्केलेटन के पास आपको क्या क्या मिला, आयरन टूल, एरो, फ्रेगमेंट ऑफ राइस, बिसाइड्स द स्केलेटन ऑफ द पर्सन, पर्सन की जो हड्डियाँ थी ना, उस स्केलेटन के पास में हमें इतनी सारी चीज़ें मिली, बरीड इन दिस ग्रेव्स। दिस इज इनफ टू शो दैट ट्रांजिशन फ्रॉम कॉपर टू ब्रॉन्ज एज कल्चर टू आयरन एज। अब हमें इस बात से बिल्कुल क्लियरली पता चल गया है कि ये वो फेज था जब कॉपर और ब्रॉन्ज एज कल्चर से हम कहाँ पर आए, आयरन एज पे, कॉपर एंड ब्रॉन्ज एज कल्चर टू आयरन एज। ये है बेटा मेगालिथिक टूम, पत्थरों से बना हुआ टूम, और हम कहते हैं कि टूम बनाने की जो प्रथा थी वो किसने चालू की, इस्लाम ने इंडिया में, पर पहले भी इंडिया में टूम बनते थे। नाउ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ अर्ली एंड लेटर वैदिक सोसाइटी। अब हम कंपैरेटिव स्टडी देखेंगे अर्ली और लेटर वैदिक सोसाइटी के, पहला बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं लेटर वैदिक आर्यंस की लाइफ में, सोशल लाइफ में। पहला, पोजिशन ऑफ वुमेन। इन द अर्ली वैदिक सोसाइटी वीमेन वर ट्रीटेड एज बींग इक्वल विथ मैन। जब लेटर अर्ली वैदिक सोसाइटी थी, वहाँ पर अर्ली वैदिक सोसाइटी में मैन एंड वीमेन इक्वल थी, ठीक है बात। वैदिक सोसाइटी में जो वीमेन थी उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाता था, किसके जैसे, मैन के थ्रे जैसे। वीमेन कुड अटेंड असेंबलीज, वीमेन असेंबलीज को अटेंड कर सकती थी, दे टुक पार्ट इन ऑल रिलीजियस रिट्स में वो पार्ट ले सकती थी, वो सेक्रीफाइसेस कर सकती थी अपने हस्बैंड के साथ। पर लेटर वैदिक एज में जो वीमेन की कंडीशन थी वो थोड़ा सा लोअर पोजिशन पर आ गई, थोड़ी सी ख़राब हो गई। ऑल द वीमेन कंटिन्यू टू बी एसोसिएटेड विथ ऑल रिलीजियस रिट्स, ये बात अलग थी कि अभी भी उन्हें रिलीजियस रिट्स परफॉर्म करने दी जा रही थी, पर जो मैरिज के रूल्स थे उनमें बहुत सारे चेंजेस आ गए थे। इफ मोनोगैमी वॉज द आइडियल, पॉलीगैमी वॉज द प्रैक्टिस। मोनोगैमी तो आइडियल थी, पर पॉलीगैमी प्रैक्टिस बन गई थी, एटलीस्ट इन हायर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। एक मेल दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा वाइफ रख सकता था, पॉलीगैमी थी, ठीक हुई बात। इन अ पॉलीगैमियस सिस्टम अ वुमेन नेचुरली अज्यूम सबऑर्डिनेट पोजीशन। पॉलीगैमी स्टार्ट हो जाती है बेटा वहाँ, पॉलीगैमियस जो सोसाइटी है वहाँ पर वीमेन की जो कंडीशन है ऑटोमेटिकली सबऑर्डिनेट पोजीशन पे आ जाती है। एक वाइफ से काम नहीं चल रहा, दूसरी ले आए, तीसरी ले आए, मतलब अच्छा तुम मेरे लिए ऐसा नहीं करोगे तो कोई दूसरी है वो ऐसा करेगी वैसा करेगी। और इस तरीके से पॉलीगैमी सबसे ख़राब चीज़ थी इस पर्टिकुलर टाइम के, जिन्होंने औरत की पोजीशन को एकदम से ही नीचे लाकर रख दिया। The practice of widow marrying again, which was fairly common in Vedic age, was now regarded as disfavor. पहले जब ऋग्वेदिक एज था बच्चा, वैदिक एज था, तो उस टाइम में जो विडो, जो विधवा औरतें होती थी उनकी शादी फिर से कर दी जाती थी, पर अब ऐसा संभव नहीं था, इसे डिसफेवर की तरह देखा जाता था। अब ये वर्ड की मीनिंग पहले हम लोगों ने पढ़े हैं इसके पहले वाले चैप्टर में, फिर भी मैं बता देती हूँ। मोनोगैमी मतलब जब आप एक शादी करते हो, पॉलीगैमी मतलब मेल एक होगा और फीमेल बहुत सारी होंगी, मतलब पति एक, पत्नियां बहुत सारी, तो उसको बोलते हैं पॉलीगैमी। उल्टा मत समझ जाना कि एक पत्नी और बहुत सारे पति, ठीक है। मोनोगैमी एक मेल एक फीमेल, पॉलीगैमी एक मेल और बहुत सारी फीमेल। तो ऋग्वेदिक एज की एक और प्रैक्टिस जो कि बहुत अच्छी थी, विडो रीमैरिज, उसको लेटर वैदिक पीरियड में डिसफेवर किया गया, नहीं माना गया। But the education which some women received was a higher order. Higher order की कुछ औरतें जो थी बच्चा, वो उनको education का access अभी भी था, कुछ ही औरतों को शिक्षा मिल रही थी। The discourse of women philosophers are perceived in the Upanishad, और उपनिषद ने women philosophers के discourse को भी include किया गया है, मतलब औरतें अभी भी religious matter में बोल सकती थी, ऐसा हमें उपनिषद से पता चलता है।
कास्ट सिस्टम को देखेंगे अब हम लोग, तो जो लेटर वैदिक सोसाइटी थी वो अभी डिवाइडेड थी 4 वर्ण में, ठीक है। ये हमने वैदिक ऋग्वैदिक पीरियड में भी देखा, वैदिक सोसाइटी में भी देखा कि सोसाइटी 4 वर्ण में डिवाइडेड थी, पर डिफरेंस क्या है वो आप देखेंगे। बट द ग्रोइंग कल्ट ऑफ सेक्रीफाइसेस एडेड मच टू द पावर ऑफ द ब्राह्मिन्स। पर अब लेटर वैदिक पीरियड में बचा जो सेक्रीफाइसेस का जो कल्ट था, एक नया ही सिस्टम जो शुरू हो गया था, उससे जो ब्राह्मिन्स थे वो बहुत ज़्यादा पावर में आ गए। नाउ द ब्राह्मिन्स एंड द क्षत्रियाज एंजॉयड पावर्स एंड प्रिविलेजेस। अब बेटा ब्राह्मिन्स और क्षत्रियाज के पास भरपूर पावर है, वो खूब प्रिविलेजेस को एंजॉय करते हैं, पावर्स को एंजॉय करते हैं, जो किसके पास नहीं है, वैश्य और शूद्र के पास नहीं है। ग्रेजुअली ये बच्चा ब्राह्मणों को दान देना, ये कहाँ से शुरू हुआ था, वैदिक पीरियड से शुरू हुआ था। अब ये दान बड़े दानों में बदला, बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस होने लगे, बड़े बड़े यज्ञ होने लगे, जिससे जो ब्राह्मण था उसकी पोजिशन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई, ठीक हुई बात। और क्षत्रिय जो राजा थे वही ब्राह्मण्स को दान दे रहे थे, तो मतलब उनकी भी पावर धीरे धीरे करके बढ़ गई, पावर लेस, मतलब पावर किस किस के पास नहीं है, वैश्य के पास नहीं है और शूद्र के पास नहीं है। इसके अलावा मोर ओवर मेनी अदर कास्ट ग्रुप्स बिसाइड्स द 4 major 1 हैड केम इन टू बींग। इसके अलावा और बहुत सारी वर्ण जो कास्ट थी वो भी अब एग्जिस्टेंस में आएंगी। 4 वर्ण तो हैं, अब अलग अलग कास्ट आएंगी। फिर से ध्यान से सुनो, बिसाइड्स द 4 major 1, 4 major 1 तो हैं, ठीक है। इसके अलावा भी दूसरी कास्ट भी अब एग्जिस्टेंस में आएंगी। इन द वर्ड्स ऑफ आर सी मजूमदार एक हिस्टोरियन, उनके वर्ड्स में वी हैव रेफरेंसेस टू द मर्चेंट, मर्चेंट का रेफरेंस है, चैरियट मेकर मतलब रथ बनाने वाले का भी रेफरेंस इन्होंने दिया है, द स्मिथ मतलब वो ब्लैक स्मिथ भी हो सकता है, गोल्ड स्मिथ भी हो सकता है, कारपेंटर मतलब बड़ई, द टेनर मतलब जो चमड़ा निकालने का काम करे, फिशरमैन मछली पकड़ने वाले, एट्सेट्रा। ये डिस्टिंक्ट कास्ट के नाम थे उस टाइम में, ये तो बड़ा ही है। कुछ लोग अभी भी देखना आप गांव में जाओगे तो यही बोलते हैं, वो तो सुनार है जाति के हैं, वो हैं लोहार हैं, ये तो बड़ा ही है, ये मतलब कास्ट के नाम होते थे अलग अलग। लेटर वैदिक एज में जो मेंबरशिप थी वर्ण की और दैट ऑफ कास्ट हैड बिकम हेरिडेटरी। पहले जब हम वैदिक एज की बात करते हैं बेटा, तो वैदिक एज में कर्म की प्रधानता थी, आप जिस कर्म को करते थे उस हिसाब से आपकी जात तय हो जाती थी, ठीक है। अगर आपको पढ़ाना पसंद है आप ब्राह्मण्स हो गए, आपको लड़ना पसंद है आप क्षत्रिय हो गए, आपको पढ़ना पसंद नहीं है आपको लड़ना भी पसंद नहीं है, आपको झाड़ू पोछा करने का काम पसंद है, आपको क्लीनिंग करना बहुत पसंद है, तो आप शूद्र हो गए। तो पहले, और शूद्र का बेटा अगर उसको पढ़ाना पसंद है तो वो वापस से ब्राह्मण बन सकता था, कब, ऋग्वैदिक एज में, वैदिक एज में। पर आप लेटर वैदिक एज में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रिजिड हो गई, ठीक है। इन द लेटर वैदिक एज द मेंबरशिप ऑफ वर्ण और दैट ऑफ कास्ट हैड बिकम हेरिडेटरी। आपके पापा जो है वो आप रहोगे, आप जो हो वो आपका बेटा रहेगा। देर वॉज ऑल्सो फिक्सेशन ऑफ ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन का भी फिक्सेशन हो गया, जो आप करें वही आपका बेटा करेगा और जो आपका बेटा कर रहा है वही उसका बेटा करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ वन कास्ट। द पोजिशन ऑफ द शूद्र वॉज मेड मिजरेबल बाय डिप्राइविंग देम इन द राइट ऑफ लर्निंग। और धीरे धीरे करके इन्होंने एक नया सिस्टम चालू कर दिया कि शूद्र है, इसको तो सिर्फ झाड़ू पोछा लगाना है, क्लीनिंग का जॉब करना है, तो इसको पढ़ने की क्या जरूरत है, तो बाद में उसे पढ़ने भी नहीं दिया गया। बेटा ऋग्वैदिक एज में या जो वैदिक एज थी उसमें कर्म की प्रधानता होती थी, आप जो कर्म करते थे उसके हिसाब से आपका धर्म रिलीजन बनता था, ठीक हुई बात। आपको जो पसंद है आपने किया आपका धर्म, आपके बेटे को कुछ अलग पसंद है उसका धर्म अलग हो जाएगा। पर जब लेटर वैदिक एज की बात करें तो ये हेरिडेटरी पे फिक्स हो गया, आप जो करते हो वही आपका बेटा करेगा और आपका बेटा जो कर रहा है वही आपके उसका बेटा करेगा। तो अब धर्म की प्रधानता हो गई, मतलब बाय बर्थ हमें धर्म मिलेगा, ठीक हुई बात। कर्म का कोई ऐसा लेना देना नहीं है, आपको कुछ भी नहीं आता, आप कितने गधे हो, पर आप ब्राह्मण के बेटे हो ना तो आप ब्राह्मण हो, भाई बात समझ में। चलो, तो जो पोजीशन थी सूत्र की बहुत ज़्यादा मिजरेबल हो गई, क्योंकि उन्हें पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, ना ही तो उन्हें सेक्रेट टेक्स्ट का एक्सेस दिया, ना ही तो उन्हें सेक्रीफाइसेस करने दिए गए, और उन्हें क्या कहा गया, अनटचेबल्स, क्योंकि वो मीनियल जॉब करते थे, तो उन्हें क्या कह दिया गया कि भाई तुम तो अनटचेबल हो, तुमको टच करने से हम भी पापी हो जाएंगे, हम भी गंदे हो जाएंगे। And were forced to live in a separate settlement outside the village or town boundaries. जो village का outer skirt, जैसे main village यहाँ है तो इन्हें बोलते थे आप outer skirt में रहो, क्योंकि आप untouchable हो, आपको हमने गलती से touch कर लिया तो हमारी life भी ख़राब हो जाएगी, तो इन्हें separate settlement में रखा जाता था। Student, I am ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, do write in comment section. Part 2 हम लोग start करेंगे, 4 आश्रम और stages of life.
आपसे।